आपका मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा और आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा कौन सा गिफ्ट देंगे जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाएगी और आपको प्यार का पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी इसलिए आप इसको पूरा देख के ही जाना, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा और आपका फ़ायदा ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर मैंने रखा है टेडी। अगर आप स्मॉल वाला टेडी देते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड बहुत इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि टेडी एक ऐसा गिफ्ट है जो कॉमनली सब लोग देते हैं, और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को टेडी देते हैं तो उससे आपका प्यार का पता चलता है। और अगर वो उसके पास रहेगा, जैसे छोटा वाला टेडी रहता है, अगर उसके पास रहेगा कहीं भी वो जाएगी, बैग में टांगी रहेगी या फिर बैग में रख सकती है, तो अब कहीं भी वो ट्रैवल करेगी, कहीं भी जाएगी तो वो उस टेडी को लेके जा सकेगी। और अगर आप बड़े वाले देंगे तो वो कहीं लेके नहीं जा पाएगी, और अगर कहीं लेके जाएगी तो उसके जो फ्रेंड होंगे उसका टीज़ करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे गिफ्ट आप मत दीजिएगा जो बड़ा हो, और छोटा सा दीजिएगा, क्यूट सा टेडी दीजिएगा, वह आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत इंप्रेस करेगा। और नंबर 4 पे बात करते हैं रिंग। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देते हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकेगी, और जब भी वो अपने हाथों में वो उस रिंग को पहने रहेगी तो इससे आपके प्यार का पता चलेगा कि वो आपसे कितना प्यार करती है। उस रिंग को कभी नहीं उतारती है, तो आप जब भी देखोगे कि उसके हाथों में आपके रिंग है तो आपको बहुत खुशी होगी, और इससे आपके प्यार का पता भी चलेगा। तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, और कॉमन सब लोग ये रिंग देते ही हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, तो आप भी एक रिंग दीजिए, इससे आपकी गर्लफ्रेंड इम्प्रेस हो जाएगी। और नंबर 3 पे बात करते हैं ब्रेसलेट। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक ब्रेसलेट देते हैं, पतला सा धागे वाला दीजिए या फिर कड़े वाला दीजिए या फिर चेन वाला दीजिए, कोई भी ब्रेसलेट दीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि उसके हाथों में वो ब्रेसलेट इतनी खूबसूरत लगेगी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जैसे जैसे आपको ब्रेसलेट दिखाए जा रहे हैं, आप ऐसे भी खरीद सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकते हो, और उसके फ्रेंड भी कहेंगे तुमने क्या पहन रखा है, मतलब तुम्हारे हाथों में ये कितना अच्छा लग रहा है, और जब भी उसकी तारीफ होगी तो वो आपसे आके बताएगी और आपके ऊपर ही इम्प्रेस होगी। तो आप इस गिफ्ट को ज़रूर दीजिएगा, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत इम्प्रेस होने वाली है। और नंबर 2 पे बात करें हैं बैंगल्स। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बैंगल्स देते हैं, वो पतले वाले या फिर हल्के से मोटे वाले, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि बैंगल्स एक ऐसी गिफ्ट है ना जो सारी लड़कियों को बहुत पसंद आता है। और बैंगल्स यानी चूड़ियाँ अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो तो उसके हाथों में इतने क्यूट से लगेंगे ना कि कोई भी उसकी फ्रेंड देखेगी ना तो यही कहेगी कि क्या गिफ्ट दिया है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। तो आपकी गर्लफ्रेंड को जब ये सुनेगी ना तो आपसे वो आके ज़रूर कहेगी कि तुमने क्या गिफ्ट दिया, आपने क्या गिफ्ट दिया है मुझे, मेरी फ्रेंड जो है ना वो मुझसे कह कह के थक गई, मेरी तारीफ़ ही कर रही थी, जब देखो तब तारीफ़ ही कर रही थी कि मैंने क्या पहन रखा है और आपने क्या गिफ्ट दिया है। तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगी। नंबर 1 पे बात करते हैं पायल। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को पायल देते हैं ना तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर पे रखा है, क्योंकि लड़कियों को पायल बहुत पसंद होता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप वो मोटे वाले पायल दीजिए जो मम्मी लोग पहनती हैं या बहन लोग पहनती हैं, तो वाले गिफ्ट आप मत दीजिए, जिस वो बहुत मोटे मोटे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, शादी के बाद ही अच्छे लगे तो अच्छा है। और पतले वाले भी पायल आते हैं, वाले पायल आप दीजिए, और उसमें एक छोटे से घुंघरी जरूर लगी होनी चाहिए, जिससे कि उसके जब खनखनाहट आए ना तो आपकी याद उसको जरूर आए, क्योंकि उसकी खनखनाहट ना आपकी याद जरूर दिला देगी, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके पैरों में वो गिफ्ट इतना अच्छा लगेगा, वो पायल इतना अच्छा लगेगा कि वो हमेशा वो आप ही को याद करेगी, आपको भूल ही नहीं पाएगी, और आपसे वो प्यार ही करती रहेगी और किसी की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेगी। और आप ऐसा अगर चाहते हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को पायल ज़रूर गिफ्ट करना, और ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर पर रखा है। भाई लोग, आप कोई गिफ्ट दो या ना दो, लेकिन उसे पायल जरूर गिफ्ट करना, और ऐसा गिफ्ट देना मतलब जैसे वो थोड़ा कॉस्टली हो, थोड़ा महंगा टाइप का हो, 100, 200, 150 या फिर 300, 400, 500, 1000, एक चाहे जितने का भी देना, अच्छा सा देना, पतला सा देना, मोटा सा ज़्यादा ना देना, उसमें एक घुंघरू जरूर लगी होनी चाहिए, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे ऐसे वीडियो को पाने के लिए ना इस बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे।